द सुप्रिया टॉक शो। आज हम मैक्सिकन बर्गर टिक्की बनाने वाले हैं, तो देखते हैं इसके लिए क्या क्या लगने वाला है। तो उसके लिए हमने बॉइल आलू लिया है, कुछ कटी हुई शिमला मिर्च ली है, जितना बारीक हो उतना कट करना, और हमने गाजर ली है। गाजर को हमने पहले थोड़ा बॉइल किया था, फिर इसे घिस के लिया है। इसके लिए हम मटर लेंगे, कॉर्न लेंगे, इसको भी हमने बॉईल करके लिया है। हमने जितनी सब्ज़ी ली है सभी को हमने बॉईल कर लिया है, और बस इसे बॉईल नहीं किया, इसे हम पकाएंगे। और इसको हम अब बनाएंगे। उसके लिए हमें लगने वाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक और मेयोनीज लगने वाली है। अगर आपके पास बर्गर की मेयोनीज नहीं है तो आप प्लेन मेयोनीज लेके इसमें सॉस डालकर, टमाटो सॉस डाल के बना सकते हैं। तो अब कैसे बनाना है ये बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने ऑयल लगने वाला है, बिना ऑयल हमने ऑयल ले लिया है। इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, अब हम इसमें अपनी शिमला मिर्च डालेंगे, क्योंकि इसे हमने बॉईल नहीं किया था इसलिए इसे पहले हम डाल रहे हैं पकाने के लिए। और साथ में हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालने वाले हैं। इससे टिक्की में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे से पका के लेना है, क्योंकि हमें इसे बाइंड करना है आलू के साथ। इसे हम हरी मटर डालेंगे, उबली हुई बॉईल की हुई है। साथ में ही हम कॉर्न भी डाल देंगे। अब हम इसे ढक के थोड़ा पकने देंगे 2-3 मिनट, उसके बाद बताते क्या करना है। 2 मिनट हो गए हैं पकाकर। अब हम इसमें उबली हुई गाजर डालने वाले हैं, जो हमने घस के ली थी। इसको चलाएंगे और साथ में हम इस पर नमक डालने वाले हैं। नमक आप अपने हिसाब से डालना, टेस्ट के हिसाब से। थोड़ी सी लाल मिर्च लेंगे, लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो आप इसमें चाट मसाला भी मिला सकते हैं। अब हम इसमें गरम मसाला मिलाने वाले हैं और इसे चलाएंगे। गाजर भी 2-3 मिनट पकाने के बाद हम आलू डालेंगे। आलू हम सबसे लास्ट में डालने वाले हैं, तो इसे भी हम 2-3 मिनट पकने देते हैं। हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे गाजर भी पहले से पके ही थे, बस इसे थोड़ा सा ऑयल में पकाना था तो हो चुका है। अब हम इसमें आलू डालने वाले हैं, क्योंकि बिना आलू के बर्गर होता ही नहीं है। होता है वो पनीर का होता है, लेकिन आलू तो सबसे जरूरी है। अब हम इसे चलाएंगे। हमने ज़्यादा मसाले यूज नहीं किए, क्योंकि हमें हेल्दी बनाना था।
वैसे अभी इस लॉकडाउन में कहाँ ये मिलता है खाने के लिए, तो घर पे ही बनाए और खाओ। आप लोग प्लीज वीडियो देखने के बाद एक बार घर पे भी ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगा। तो हमारा टिक्की का भरावन बनके तैयार है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे, तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। पहले हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने फ्रेश ब्रेड लिए हैं। मेरे पास ब्राउन ब्रेड था तो मैं इसी का बना रही हूँ, और इसे हम मिक्सी कर लेंगे, ग्राइंड करके लेंगे। हमारे ब्रेड क्रम्स बनके तैयार है, अब हमें एक घोल बनाना है। उसके लिए अगर आपके पास कॉर्न फ्लावर हो तो उसमें आप राइस का आटा, मतलब चावल का आटा मिक्स करके एक घोल बनाएंगे, लेकिन मेरे पास कॉर्न फ्लावर नहीं है तो बस मैं राइस का आटा लेने वाली हूँ। इसे हम लेंगे, जितनी टिक्की है उस हिसाब से आपको बनाना होगा। इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, इसमें पानी मिलाएंगे, और सब घोल करेंगे। घोल हमें पतला ही करना है। हमारा घोल बन के तैयार है, अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हमने अपने टिक्की के आलू को दूसरे बर्तन में निकाल के ले लिया है, इसे 10 मिनट हो गए हैं ठंडा होके। अगर अभी इसे हम फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज में रखने से ये सेट हो जाएगा और हमारी टिक्की बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपके आलू ठंडे नहीं हुए हो तो आप 5-6 मिनट और रुक जाना, फिर रखना फ्रिज में। हमारे 10 मिनट हो चुके थे और हमने फ्रिज में से अपने आलू निकाल लिए हैं, अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। तो आप अपनी टिक्की कितनी बड़ी बनाने वाले हैं उतना बड़ा घोल लीजिए, उसे लेना है, फिर उसे धीरे से प्रेस कीजिए, और साइड से भी। अगर आपके पास टिक्की का कटर है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। हम हाथी से बना देंगे। हमारी टिक्की बन गई है, अब हम इसे पहले हल्का सा ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, अब हम इसे इस घोल के अंदर जो हमने बनाया था उसमें थोड़ा डिप करेंगे। हमने डिप कर लिया, अब इसको फिर से हम ब्रेड क्रम्स के अंदर से कर देंगे। इससे हमारी टिक्की बहुत ही अच्छी बनेगी, और ऐसे हमें जितनी टिक्की बनानी है सबको करके रख लेना है। अब हमने अपना बर्गर का बन लिया है, इसे बीच में से हम कट करेंगे। ऐसे कट करना है, और हमने टमाटर और प्याज को कट करके ले लिया है, और जो हमारे पास नहीं है उसे हमने स्किप कर दिया है। और हमने अपनी सभी टिक्की बना के रख लिए है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे और फिर बर्गर बनाएंगे। पहले हम बन को सेक लेते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बटर या घी जो भी आपके पास हो उसमें आप सेक लेना।
सेकते समय ये ध्यान देना कि आपका हाथ नहीं जले। हमारा सेक कर हो गया है, अब हम बर्गर बनाएंगे। इसी तरीके से हम बाकी के भी पाव, बाकी के भी बन को हम सेक कर ले लेंगे। हमारा सेक कर हो गया है, अब हम अपनी टिक्की को डीप फ्राई करने वाले हैं। हमने एक कढ़ाई में तेल गरम करके ले लिया है, अब हम अपनी टिक्की को एक एक करके डीप फ्राई करेंगे। इसे हमें हल्का ब्राउन करना है। हमारी टिक्की बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, आप भी घर पे बनाकर ट्राई कीजिए। हमारी टिक्की फ्राई होके हो गई है, बनकर हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे निकाल देंगे। इसी तरीके से हम बाकी की भी कर लेंगे। हमारी टिक्की बहुत ही कुरकुरी बनी है, देखो इसमें आवाज भी आ रही है। अब हम अपने बर्गर को लेंगे, इसमें हम मेयोनीज लगाएंगे। मैंने बर्गर की मेयोनीज ली है, हम दोनों तरफ इसमें लगा लेंगे। ऐसे मेयोनीज लगाना है, अपनी टिक्की रखनी है, टमाटर लेना है, टमाटर लेना है, फिर प्याज लेना है और इसे कर देना है। हमारा बर्गर बनके तैयार है, अब हम इसे सर्व करके बताएंगे कैसे करना है, प्लेटिंग करके बताएंगे। हमारा बर्गर अब खाने के लिए तैयार है। आप भी घर पे मैक्सिकन बर्गर ट्राई कीजिए और कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको हमारा बर्गर बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।